और खबर देंगे आपको तहरीके इंसाफ के मफरूर रहनुमा हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक शादबाग और जीटी रोड पर वाकई फैक्ट्रियों में हम्माद अजहर की मौजूदगी की इतला पर छापे मारे गए, लेकिन गिरफ्तारी ना हो सकी। हम्माद अजहर 9 मई के वाकयात में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब है। तहरीके इंसाफ के मफरूर रहनुमा हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक शादबाग और जीटी रोड पर वाकई फैक्ट्रियों में हम्माद अजहर की मौजूदगी की इतला पर छापे मारे गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। हम्माद अजहर 9 मई के वाकयात में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब है और 9 मई के वाकयात के बाद से हम्माद अजहर रुपोश है और अभी तक पुलिस को मतलूब है और पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। तहरीक इंसाफ के मफरूर रहनुमा हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं और पुलिस के मुताबिक शादबाग और जुडी रोड पर वाकई फैक्ट्रियों में हम्माद अजहर की मौजूदगी की इतला पर छापे मारे गए हैं। मजीद का तफसीलात हैं इस पर जान लेते हैं नुमाइंदा पीएनएन शिराज ने सार से। शिराज बताएगा, अभी तक हम्माद अजहर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी बिल्कुल, ये आज सुबह से कुछ साफ मुकाम पर छापे मारे गए हैं मियां असलम इकबाल और हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए। हम्माद अजहर की जो फैक्ट्री है शाहबाग और कंट रोड पर, वहां पर भी पुलिस ने छापा मारा और इस बात की तस्दीक की है पुलिस ने कि वहां पर ऐसी शवाहद मौजूद थे कि वहां पर हम्माद अजहर मौजूद है। और वहां से जो मुलाजमीन कुछ मिले, उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, उसके बाद यहाँ पर नहीं आए हैं। और अभी तक हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी है, लेकिन छापे मारे जा रहे हैं। एस पी सी ए और डीएजे नरसी किशन का कहना है कि जल्द हम 24 घंटों में दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। जी ठीक है, जल्द 24 घंटों में दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम्माद अजहर मियां असलम इकबाल को बहुत शुक्रिया चिराग निसार हमें अपडेट करने का।